नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे डोमा, जो कि जंगल के जल्लाद कोबे और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जंगारू ने राह में आ गई वो साख पकड़ ली। डोम जंगारू ने खाई में गिरते भेड़िया की तरफ देखा, झरने के नीचे मुंह धोया, उसके बाद वापस लाश तक पहुंचा, लाश उठाई और आगे बढ़ा, मगर सिर्फ कुछ ही दूर तक, क्योंकि आंखों से शोले गिराता उसके सामने मौजूद था जंगल के जल्लाद का दूसरा रूप कोबी। जंगारू, तुझे तो मैंने फांसी दे दी थी और तेरी लाश को उतार कर ले जाने वाले उस जीवट आदमी के भी मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तू जिंदा कैसे बच गया? डोम मुंह से नहीं बोलता, मगर ओह, तो ये है तेरा जवाब। अब मेरा जवाब भी सुन। कोबी ने अपने हाथों के पहने नाखूनों से नोच डाला जंगारू को। जो कसर तुझे मौत देते वक्त उस वक्त रह गई थी, वो अब पूरी करूंगा। अब तुझे कच्चा ही चबा जाएंगे मेरे वो भेड़िए जिन्हें तू अनुष्ठान के वक्त मांस खिला रहा था। जंगारू पर टूट पड़े भेड़िए, चीर फाड़ डालो इसे, उफ उफ। जंगारू ने मुंह से उगली आग से कई भेड़िए को भून डाला। ओह, तेरा चमत्कारी मुंह आग उगलता है, ये तो मैं भूल ही गया था। जय भेड़िया देवता, मदद, अब मैं इसे अपनी गद्दा से तोड़ दूंगा। भेड़िया पुनः उस पर झपटे, मगर इस बार उनसे अपने शरीर को बचाने के लिए वो एक तरफ भाग पड़ा। भाग भाग, पर मेरे भेड़िए तुझे फाड़कर सुखाए बिना ना छोड़ेंगे, उफ उफ। लेकिन पीठ दिखाकर नहीं भागा था जंगारू, बल्कि उस मैदानी क्षेत्र में खड़े सैकड़ों जंगली सांडों के झुंड के बीच खलबली मचाने के लिए भागा था। और धार, सर्वप्रथम उत्तेजित हुए जंगली सांडों ने जंगारू को ही जबरदस्त टक्कर जड़कर उछाला। क्रोधित हुए सैकड़ों भैंसों का वो समूह अब दौड़ पड़ा कोबी की ओर। अरे, जंगारू ने इन्हें उत्तेजित करके अपनी मौत बुला ही ली। मुझे भी फंसवा दिया, अब ये भैंसे मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं और मुझे इनसे फौरन ही बचना होगा, उफ। मगर जब तक कोबी बचने की सोच पाता, भैंसे ने उसे एक जबरदस्त टक्कर जड़कर उछाल फेंका। फिर कोबी का शरीर ना जाने कितने भैंसों से टकरा टकरा कर उछला, उफ। कोबी मदमस्त हुए सैकड़ों क्रोधित भैंसों के पांव तले कुचलता चला गया। उसे बचाने के लिए कुछ ना कर पाई उसके भेड़िया फौज, कुछ ना कर पाई भेड़िया देवता की गद्दा, कुछ ना कर पाई उसकी चमत्कारी पूंछ और कुछ ना कर पाई उसकी शारीरिक शक्ति। खून से लथपथ हुआ कोबी अपने होश खो बैठा। हम्फ, हम्फ। इधर कुचले पड़े बुरी तरह खून से लथपथ हुए जंगारू के जिस्म में हरकत हुई। वो उठकर खड़ा हुआ, कोबी को बेहोश देखकर उसकी आंखों की चमक और भी बढ़ गई। जल्दी, अरे जंगारू, इतनी देर कहां लगा दी? भूख से मेरी अतड़िया खींच रही है, और ये क्या, तू तो खून से नहाया पड़ा है, किसने हमला किया तुझ पर? जल्दी बता, मैं तुझे बोलने की शक्ति दे रहा हूं। इस कोबी ने डोमा, जंगारू ने कंधे पर लटके कोबी को जमीन पर ढेर कर दिया। तो ओह, तो ये है कोबी जिसने मेरे पहले डोम को खत्म कर डाला था और तुम्हारा भी बुरा हाल कर दिया। अब आया है ओट पहाड़ के नीचे। जंगारू, इसे मेरे सामने उल्टा लटका दो, अब मैं इसे डोम बनाऊंगा और ये मेरा सबसे शक्तिशाली डोम साबित होगा। जंगारू ने कोबी को उल्टा लटका दिया और डोमा ने जंगारू की वाक शक्ति वापस ले ली। अब तुम बाहर जाकर पहरा दो और ध्यान रहे, जब तक मैं कोबी को डोम ना बना लूं, कोई भीतर ना आने पाए। डोमा के होठों पर खतरनाक हंसी मचल उठी।
ये अभी जिंदा है। इसे लाश में बदलने के लिए पहले मुझे ये कील इसके सीने में ठोकनी होगी, उसके बाद मैं इसे डोम बनाऊंगा, यानी एक ऐसी लाश जो जिंदा होगी और जंगारू की तरह मेरी गुलाम होगी। डोमा ने कील को ठोकने के लिए अभी हथौड़ा उठाया ही था कि ओह ये क्या, मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? मेरी पूंछ ने डोमा, तो तुम बेहोश नहीं थे? बेहोश तो था, पर बेहोश को होश भी तो आता है। धार आ, और मुझे समय पर होश आ गया। जंगारू, जंगारू बड़े खौफनाक अंदाज में उसके सामने पहुंचा। नहीं, मेरे शक्तिशाली डोम जंगारू का सिर किसने काट डाला? इसे मैंने काट डाला है शैतान डोमा। ओह तो ये है भेड़िया, ये वही जंगारू है जिसने मुझे खाई में धकेल दिया था, मगर मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं पानी में जा गिरा। जंगल का जल्लाद, ओह तो ये है भेड़िया, जंगल का जल्लाद भेड़िया, इसे भी मैं डोम बनाऊंगा। लेकिन इन दोनों से मुकाबला फिलहाल बेवकूफी होगी, मुझे भागना होगा। तेरा अंत आ गया डोमा। सहसा डोमा ने कोबी को एक तीर झुला दिया और चला तीर। हो सकता है तेरा चलाया तीर बीच में झूलते कोबी को जा लगे। ओह ऐसी हालत में मैं तीर डोमा पर नहीं चला सकता, मगर उस रस्सी पर चला सकता हूं जिससे कोबी ये झूले खा रहा है। भेड़िया, डोमा मेरा शिकार है, वो जिसके हाथ पहले लगेगा उसी का शिकार है। तो वो पहले मेरे हाथ लगेगा। कोबी ने भेड़िया की टांगे अपने पूंछ से खींचकर उसे गिरा दिया और एक लंबी छलांग लगाकर गुफा से बाहर आ गया। डोमा तू चाहे पताल में घुस जा, मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चले आओ मेरे भेड़ियो, रोको उसे। डोमा की सांसें गले में अटकी थी। ओह उसका आदेश मानकर भेड़िये मेरे पीछे पड़ गए हैं। भेड़ियों को देखते ही जंगारू के कबीले के लोगों में भगदड़ मच गई। भागो, भेड़िये आ गए, कोबी भी आता होगा। डोमा को उस वक्त बचने के लिए दिखी केवल वही जगह। इस वक्त अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो है डोम, मगर डोम के लिए मुझे लाश चाहिए। मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई उसे। ओह यहां तो सुरंग बनी है, और ये कक्ष कैसा है, और ये क्या, ये तो कोई हजारों साल प्राचीन मम्मी है, और कितनी विशाल सी, और कितनी विशाल भी, इसकी सूरत भेड़िये से मिलती है। अब कोबी भेड़िया मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। कोबी तो वहां आ ही पहुंचा था। बताओ डोमा कहां गया? तुम्हारा इशारा शायद उस व्यक्ति की ओर है जो भेड़िया देवता की उस सुरंग में चला गया है। ओह अब वो शैतान मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इसी गड्ढे में उसे दफन करने के बाद ही अब मैं बाहर आऊंगा, मगर कोबी को शायद अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि तभी गड्ढे में कूदने को तैयार कोबी वो भयंकर हुंकार सुनकर ठिठक गया। ओह ये कैसी गुर्राहट है, डोमा इस ढंग से नहीं गुर्रा सकता। वो भयानक गुर्राहट डोमा की नहीं थी, और जिसकी थी वो उसके सामने था। हे भेड़िया देवता, ये कैसा राक्षस है। जमीन में दफन मौत का ही रूप था कोप जिला। कोप का अर्थ क्रोध और जिला का अर्थ जिंदा होना। आज वो क्रोध जिंदा हो गया था। कोप जिला साक्षात तबाही का रूप था। ओफ अरे कोबी वापस क्यों आ गए, डोमा कहाँ है? ओह हे भेड़िया देवता, ये क्या, बचाओ। ओह तो कोबी इसी के प्रहार से यहां आकर गिरा है। मुझे उस बला को खत्म करना होगा, वरना वो तबाही मचा देगा। मगर डोमा कहाँ गया? डोमा कोप जिला नाम की उस आफत के पीछे पीछे ही बाहर निकला।
तुम्हारा शिकार ये मच्छर इंसान नहीं, कोपचिला। तुम्हारा शिकार है भेड़िया और कोबी, खत्म कर दो दोनों को। ओह, डोमा वो रहा। ये कोपचिला को आदेश क्यों दे रहा है? कहीं इसने इस विशाल राक्षस को डोम तो नहीं बना दिया? अरे भाले तो इसे लगे ही नहीं। कोपचिला आह! कई हाथियों की शक्ति भरी होगी इसके पांव में, ये तो चींटी की तरह मसल डालेगा। कोपचिला ने एक के बाद एक कई पेड़ों को भेड़िया पर धराशायी कर दिया। ओफ, कोपचिला के रूप में भेड़िया को मौत का नजारा दिखाई दिया। 5 वृक्षों के तने हटाने में मुझे जितना समय लगेगा, उतनी देर में ये अपने पांव से मेरा सिर कुचल डालेगा। मगर जहां जंगल के दो दो जल्लादों से उसका वास्ता पड़ा हो, वहां मनमानी नहीं चलती। बच्चों से मत लड़ शैतान कोपचिला, कोबी से मुकाबला कर। ओह, कोबी ने बचा लिया। इसके हाथों से तुम दोनों नहीं बचोगे कोबी और भेड़िया। अब मैं तुम दोनों को भी अपना डोम बनाकर ही छोड़ूंगा। ओह, इसने तो मुझे उठा लिया, पर चलो एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। अब मैं इसकी सूरत बिगाड़ सकता हूँ। चीख उठा भेड़िया। कोबी, ये डोम है, इसका मुखौटा तोड़ डालो और फिर टुकड़े टुकड़े कर डालो इसके सिर को, अन्यथा ये मरेगा नहीं। हम्फ, कड़ाक। चीख उठा डोमा, उसे नीचे फेंक दो कोपचिला। इसी के साथ गद्दा कोबी के हाथ से गायब हो गई, जबकि अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर भेड़िया उस कैद से इस बार आजाद हो गया। कोबी ने खुद पर नियंत्रण पाया और बढ़ाई अपनी पूंछ। इसका सिर तोड़ने के लिए इसे नीचे गिराना जरूरी है। कोबी, इस वक्त तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस वक्त तुम हमारी तुम्हारी दुश्मनी को भूल जाओ, वरना इस मुसीबत से पीछा नहीं छूटेगा। इसे नीचे गिराने में मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, खींचो। जानवर बुद्धि था, पर फिर भी कोबी समझ गया था स्थिति की गंभीरता को। दोनों ने ही उसे नीचे गिराने में सफलता प्राप्त की। कोबी, जल्दी करो, अपनी गद्दा से इसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दो। कोबी ने पुनः अपनी गद्दा का आह्वान किया और अचानक चौंक उठा भेड़िया। ओह, ये लाश एक और डोम खड़ा कर देगी। इसे कोपचिला के शरीर के नष्ट होने से पहले ही खाई में फेंक देना होगा, वरना कोपचिला की डोम ऊर्जा उस लाश में प्रवेश करके उसे जिंदा कर देगी। जबकि इधर कोबी ने उस आखिरी प्रहार के साथ ही कोपचिला का सिर धड़ से जुदा कर दिया। प्रचंड डोम ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। डोमा की आंखों में नजर आई दहशत। नहीं, तभी तेरा अंत आ गया है शैतान डोमा, अब मैं तेरी कब्र यहीं पर बनाऊंगा। भेड़िया के फेंके भाले ने सीधे डोमा के हृदय के हृदय में शरण स्थल ले ली। एक तेज चीख गूंजी, उसकी आखिरी चीख। उसके बाद ना तो भेड़िया ने कोबी की ओर देखा और ना कोबी ने भेड़िया की तरफ। कोपचिला की लाश को इसी गड्ढे में शैतान डोमा के साथ ही दफना देना। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिमांड टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज को अपलोड की है, तो जाइए देखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।